बच्चों, आज हम लोग टर्बो सुपरचार्जर के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा आपको पता है कि हमारे आईसी इंजन में, इंटरनल कम्बशन इंजन में सुपरचार्जिंग और स्कैवेंजिंग का बहुत बड़ा महत्व है, और कोई भी आधुनिक इंजन जो है बगैर सुपरचार्जिंग के उतनी एफिशिएंसी प्रोवाइड नहीं कर पाता जितनी कि आज के डेट में ज़रूरत है। तो उस कंडीशंस में, जैसा कि आप जानते भी हैं कि आजकल की जो कारें आ रही हैं वो भी सुपरचार्ज कारें आ रही हैं, जो स्पोर्ट्स कारें आ रही हैं, तो हमारे इंजन में भी सुपरचार्जिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो पहले ही बात कर चुके हैं। तो उसका मेन पार्ट है टर्बो सुपरचार्जर। तो इस चैप्टर में हम लोग टर्बो सुपरचार्जर और सुपरचार्जिंग सिस्टम के बारे में ही बात करने वाले हैं। चलिए, लेट अस स्टार्ट। ये हमारे कुछ टर्बो सुपरचार्जर्स की तस्वीरें हैं जो अलग अलग समय पर हमारे इंजनों में लगते रहे हैं, और आगे आप जब जाएंगे लाइन पे तो ये आपको दिखाई देंगे। ठीक है, टर्बो सुपरचार्जर का मतलब होता है टर्बो माने टर्बाइन, वो टर्बाइन जो हमारे इंजन को सुपरचार्जिंग करने का काम करे। नाउ, इस फिगर में जो यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है, ये एक एल्को टर्बो है, एल्को टर्बो सुपरचार्जर। टर्बो सुपरचार्जर को शॉर्ट फॉर्म में TSC भी बोलते हैं। टी माने टर्बो, एस माने सुपर, और सी माने चार्जर। तो शॉर्ट फॉर्म में आपको TSC सेक्शन या टर्बो सेक्शन भी बोला जाता है। तो टर्बो सुपरचार्जर का काम क्या है? ये जो है हाई डेंसिटी की एयर को जो है सिलेंडर पैसेज में भेजता है, जिससे कि हाई हॉर्स पावर जनरेट होती है, और इसी को हम सुपरचार्जिंग कहते हैं। एट द टाइम ऑफ सक्शन स्ट्रोक, अगर हम किसी डिवाइस के द्वारा हाई डेंसिटी की एयर इंजन सिलेंडर को प्रोवाइड करें तो उससे क्या होगा, एफिशिएंट फ्यूल बर्निंग होगी, जिसकी वजह से हॉर्स पावर बढ़ेगी और हमारा इंजन सुपरचार्ज हो जाएगा। तो हमारा TSC जो है वो भी यही काम करता है। अब हमारा टर्बो कैसे ये काम करता है, इस विषय में बात कर लेते हैं। हमारा टर्बाइन जो है क्या करता है कि एग्जॉस्ट गैस की एनर्जी को यूज करता है। हमारे इंजन से जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हैं उसकी हीट एनर्जी को यूज करके ये इंजन को सुपरचार्ज करता है, क्योंकि उसी एनर्जी से हमारी टर्बाइन डिस्क चलती है, यानी टर्बाइन रोटर चलता है, और उसी के ऊपर लगा हुआ ब्लोअर चलता है, जिससे कि हाई डेंसिटी की एयर हमारे इंजन को प्राप्त होती है। ठीक है, एडवांटेज क्या होता है हमारे सुपरचार्जिंग करने के, लाभ क्या क्या है, बहुत कुछ आपको पता भी होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारा इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं है और सुपरचार्ज इंजन है, तो नेचुरल है कि ऐसा इंजन 50% तक अधिक पावर जो है जनरेट कर सकता है। यदि हमारा इंजन सुपरचार्ज है तो हमारा इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की तुलना में 50% अधिक पावर को जनरेट कर सकता है। ठीक है, सुपरचार्जिंग करने की वजह से जो ओवरलैपिंग पीरियड होता है हमारा, जिस समय कि हमने पहले हम लोगों ने बात की थी कि हमारे इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व एक साथ जो है 123 डिग्री तक खुले रहते हैं, तो उस समय यही सुपरचार्जिंग एयर, सुपरचार्ज एयर जो है हमारी बेटर स्कैवेंजिंग के लिए बेनिफिशियल होती है। और आप जानते हैं कि अगर स्कैवेंजिंग बेटर होगी, स्कैवेंजिंग का मतलब हो गया कि अगर जली हुई गैसेस पूर्णतः हमारे इंजन सिलेंडर से बाहर निकल जाएंगी, तो नेचुरल है कि उसके साथ साथ कार्बन भी मैक्सिमम निकल जाएगा और हमारा इंजन सिलेंडर जो है कार्बन फ्री हो जाएगा, जो कि हमारे इंजन की बेटर हेल्थ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो कि एफिशिएंट बर्निंग होगी तो हायर हीट भी जनरेट होगी, जो कि हमारे सुपरचार्जिंग सिस्टम को मदद करेगी। ठीक है ना, साथ ही साथ हाई डेंसिटी की एयर जो कि आफ्टर कूलर से होके जाती है, तो हमारे इंजन के इंटरनल पार्ट की कूलिंग का भी काम करती है, और वो बैटर कूलिंग में आता है। ज़्यादा एयर जाएगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो
ज़्यादा इग्निशन भी होगा, साथ ही साथ ज़्यादा एयर जाएगी मास में, तो नेचुरल है कि हमारे इंजन सिलेंडर में कंप्रेशन रेशियो का भी सुधार होगा। अब बात करते हैं कि सुपर चार्जिंग कितने तरीके से की जा सकती है। तो शुरुआत में क्या था कि एक पंप लगा देते थे जो एक्स्ट्रा डेंसिटी की एयर को, हाई डेंसिटी की एयर को जो है इंजन सिलेंडर मिलता था। फिर कहीं कहीं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर भी यूज़ किए गए कि वो ज़्यादा, लेकिन हमारे इंजन में क्या है कि हमारे इंजन में वेरिएबल लोड है, वेरिएबल कंडीशंस हैं, तो उन कंडीशन में मैचिंग नहीं हो पाती। क्योंकि कोई भी कंप्रेशर या कोई भी पंप अगर हम अलग से ड्राइव करते हैं तो नेचुरल है कि उसका जो एयर की डेंसिटी को भेजने का जो रेशियो होगा वो एक समान होगा हमेशा। जबकि हमारे इंजन में कभी तो हमको ज़्यादा फ्यूल जलाना है और कभी हमको बहुत ही कम फ्यूल जलाना है, वो दोनों कंडीशन में हमारी मैचिंग प्रॉपर नहीं होगी, इसलिए ये सिस्टम हमारा काम नहीं करता है। ठीक है, फिर कुछ लोगों ने रूट ब्लोअर भी लगाए, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर भी लगाए, जिनको पावर अलग से दी गई, लेकिन वहाँ भी वही मैचिंग की प्रॉब्लम आई क्योंकि हमारे पास अनइवन लोड है और अनइवन कंडीशंस हैं। तो उन कंडीशन में जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो यही है कि एक ऐसा टर्बाइन का प्रयोग किया जाए जो हमारी एग्जॉस्ट गैसेस का ही प्रयोग करके एक ब्लोअर को या सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर को चलाए और हमारी डेंस एयर को सुपर चार्जिंग के लिए प्रोवाइड करे, और इस तरीके से टर्बो सुपर चार्जर हमारे इंजन में यूज़ किया जा रहा है। अब ये सुपर चार्जिंग सिस्टम का एक फिगर है जो पहले भी आपको पीडीएफ में दिया जा चुका है। यहाँ देखिए ध्यान से, सबसे नीचे जो है हमारा इंजन सिलेंडर दिखाई दे रहा है, जिसमें इंजन सिलेंडर में इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व लगे हुए हैं, बीच में इंजेक्टर भी लगा है। इसी सिलेंडर के अंदर पिस्टन, गजन पिन और कनेक्टिंग रॉड दिखाई दे रहा है। एक लाइन जो है आपका जो है टर्बाइन केसिंग से जोड़ी गई है, जो आउटलेट लाइन है, और एक लाइन जो इनलेट लाइन है वो हमारी आफ्टर कूलर से जोड़ी गई है। ठीक है, ऊपर जो है टर्बाइन टर्बो सुपर चार्जर दिखाई दे रहा है। टर्बो सुपर चार्जर में यहाँ पर मेन तीन पार्ट दिखाई दे रहे हैं, दैट इज टर्बाइन केसिंग, इंटरमीडिएट केसिंग और इम्पेलर केसिंग। टर्बाइन केसिंग में टर्बाइन डिस्क, एक स्टैटिक एक मूवेबल, दोनों लगी रहती हैं, जो कि एग्जॉस्ट गैसेस की एनर्जी को लेकर के रोटर असेंबली को मूव कराती हैं और उसके बाद एग्जॉस्ट गैसेस चिमनी के रास्ते से बाहर निकल जाती है। तो जब हमारा इंजन चल रहा है तो हमारे इंजन में जिस समय एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी एग्जॉस्ट पोर्ट से, तो वो एक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में इकट्ठा की जाएंगी। सारे सिलेंडर की गैसेस निकलती रहेंगी और वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के रास्ते टर्बो सुपरचार्जर के टर्बाइन केसिंग पर बेल माउथ पर पहुँचेंगी और स्टैटिक टर्बाइन डिस्क के ब्लेडों से प्रवेश करते हुए मूवेबल टर्बाइन डिस्क पर इम्पैक्ट करेंगे, जिससे कि मूवेबल टर्बाइन डिस्क घूमना स्टार्ट करेगी। चूँकि मूवेबल टर्बाइन डिस्क जो है वो रोटर असेंबली का हिस्सा है और उसी के दूसरे सिरे पे एक सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर लगा हुआ है, उस समय जैसे ही टर्बाइन डिस्क मूव करना शुरू करेगी तो ये रोटर असेंबली मूव करेगी, यानी कि हमारा इम्पेलर मूव करेगा, और वो इम्पेलर का सेक्शन जो है जोड़ा गया है एक एयर फिल्टर से। पहले भी आपको बता चुके हैं एयर फिल्टर हमारे पास दो तरीके के हैं। पहला है, एक है एयर मेच यानी कि ऑयल बाथ फिल्टर, और दूसरा है साइक्लोनिक फिल्टर। तो जो नॉर्मल कन्वेंशनल लोगों हैं, मैंने पहले भी बताया था आज फिर बता रहा हूँ, जो कन्वेंशनल लोगों हैं उसमें हमें कम फ्यूल जलाना होता है अपेक्षाकृत हाई हॉर्स पावर लोगों से, तो नेचुरल है कि वहाँ पे एयर के मात्रा जो है हमें उतनी रिक्वायर्ड नहीं होती, इसलिए वहाँ पर जो है हम ऑयल बाथ फिल्टर का यूज़ करते हैं। ऑयल बाथ फिल्टर में क्या होता है कि एक एयर मेच कहते हैं उसको यहाँ पे रेलवे में, उसमें वायर मैश जालीज लगी रहती हैं और नीचे पार्ट में तेल भरा रहता है, तो जिस समय एयर सक होती है और सामने प्लेट लगी होती है तो वो जाली के थ्रू
तेल की फिल्म से पार होती है और जितनी भी गंदगी और मॉइस्चर होता है उसी तेल में रह जाता है और केवल फ्रेश एयर जो है हमारी एंटर करती है। लेकिन यहाँ पर एयर डिस्चार्ज की लिमिटेशंस हैं और इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हम फिर जो हमारे मॉडिफाइड लोकल्स हैं उनमें साइक्लोनिक फिल्टर यूज़ करते हैं। साइक्लोनिक फिल्टर में जो है प्लास्टिक के साइक्लोनिक फिल्टर लगे होते हैं और पीछे जो है बैक फिल्टर होते हैं जो फॉर्म के होते हैं, पेपर के नहीं होते हैं, जिसमें कि सारी डस्ट और नमी इकट्ठी होती रहती है। और वो डस्ट जो कि साइक्लोन से होकर साइक्लोन बनता है तो डस्ट हमारी बायोग्राविटी नीचे गिरती है, जैसे कि एक डस्ट ब्लोअर मोटर के द्वारा नीचे निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है। तो या तो हमारे पास एयर मेज लगा होगा या हमारे पास साइक्लोनिक फिल्टर लगा होगा जिससे छन करके वो हवा हमारी ब्लोअर या इम्पेलर केसिंग में पहुँचेगी। और ये इम्पेलर केसिंग जो है इम्पेलर जब मूव करेगा, चूँकि सेंट्रीफ्यूगल इम्पेलर है, सेंटर से ये कंप्रेस करके इस एयर को पैसेज के रास्ते आफ्टर कूलर को भेज देगा। पैसेज यानी पाइप। आफ्टर कूलर चूँकि वाटर कूल्ड है, वाटर कूलिंग सिस्टम में आपने आफ्टर कूलर देखा हुआ है, वहाँ पे ये हवा जब उसके चारों तरफ से गुजरेगी तो ये हवा ठंडी हो जाएगी और इसकी डेंसिटी और इंक्रीज हो जाएगी। और ये हाई डेंसिटी की एयर जो है अब एयर गैलरी में इकट्ठा हो जाएगा। एयर गैलरी जो है हमारे इंजन ब्लॉक का हिस्सा है और ये जो है ट्रायंगुलर शेप में ही होती है, टॉप में होती है, दोनों लेफ्ट बैंक और राइट बैंक के बीचों बीच जो है टॉप टैंक में होती है। जब आप लोग आएंगे तो एक बार लोगों पे चलेंगे और हम आपको दिखाएंगे। इसी एयर गैलरी से हमारे सिलेंडर हेड के एयर इनलेट एल्बो अपनी अपनी जगह पर जुड़े रहते हैं। तो जब भी हमारा सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट होगा और हमारा इनलेट वाल्व खुलेगा तो ये हाई प्रेशर की एयर या हाई डेंसिटी की एयर जो है हमारे उस पर्टिकुलर सिलेंडर में जाएगी और उस पर्टिकुलर सिलेंडर को सुपरचार्ज करेगी। तो इस तरीके से ये इंजन जो है हमारा सुपरचार्ज होता रहता है। आशा है समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे बात करेंगे। उसी एग्जॉस्ट गैस फ्लो पाथ बताया जा रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले एग्जॉस्ट गैसेस सिलेंडर से निकलेंगी और वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में इकट्ठा होंगी, उसके बाद टीएससी फिक्स नोजल रिंग पे जाएंगी, जैसे ही उस पर गिरेंगी तो वो आगे मूवेबल डिस्क पे जाने से हमारा जो है टर्बाइन डिस्क मूव करना स्टार्ट हो जाएगी, यानी रोटर असेंबली स्टार्ट हो जाएगी मूव करना, और उसके बाद उसको घुमा करके ये एग्जॉस्ट गैसेस चिमनी के रास्ते वातावरण में बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, ये एक जो है टर्बो सुपरचार्जर का अपग्रेडेशन जो हुआ है टाइम पीरियड में, उसका ये एक पर्टिकुलर चार्ट है। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो टाइम पीरियड लिखा हुआ है 60 से 90 तक, 90 से 95 तक, 95 से 2000, फिर 2001 ऑनवर्ड। तो जो 60 से 90 तक जो हमारे पास टर्बो चल रहे थे वो कन्वेंशनल टर्बो थे, ठीक है ना। कन्वेंशनल टर्बो में जो हमारा मॉडल था वो एल्को 720A था और उसकी एफिशिएंसी जो है लेस देन 50% थी, ठीक है। अब इसी की बात कर लेते हैं तो जो हमारी एसएफसी का मतलब होता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, और इसकी देखिए यूनिट भी लिखी हुई है ग्राम पर बीएचपी आवर, एक घंटे में प्रति एचपी पर कितने ग्राम फ्यूल हमारा खर्च होगा, ये होता है एसएफसी स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, ठीक है। तो उस समय जो हमारी एफिशिएंसी मिलती थी वो एसएफसी मिलती थी वो 166 थी, एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर 600 डिग्री के पार रहता था, सॉरी, और हमारी जो मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी थी वो शुरुआत में 6 महीने थी, जिसे हम लोगों ने बाद में बढ़ा करके 1 साल कर लिया, ठीक है। जिसमें साइलेंट फीचर थे उसमें जो हमारी बेरिंग लगी थी वो इंटरफेरेंस फिट पे थी, और थ्रस्ट जो होता था वो हॉट साइड में होता था, यानी कि जिधर की हॉट गैसेस आपको मिलती थी, यानी कि
टर्बाइन डेस्क साइड में, ठीक है। तो ये इसके ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से इसका क्या बोलते हैं मेंटेनेंस जल्दी जल्दी करना पड़ता था, और मैक्सिमम हम लोग एक साल में यानी हाफ ईयरली शेड्यूल में करते थे। उसके बाद जो हमारे इंजन आए 90 से 95 में, उनमें हाई एफिशिएंसी के इंजन आ गए, और वहाँ पे हम लोगों ने टर्बो जो यूज़ करना शुरू किया वो नेपियर 295 और एबीबी वीटीसी 304। ये मॉडल नंबर हैं। एबीबी आप जानते हैं, एबीबी एक कंपनी है, दैट इज़ एशियन ब्राउन वावरी मल्टीनेशनल कंपनी है, गुजरात में है इस समय, जो टर्बाइन बनाती है। तो उसके टर्बाइन आज भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, टीपीआर 61 और वीटीसी 304 अभी भी दोनों यूज़ हो रहे हैं। तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो टीपीआर 61 है, आज डेट में वो और जी और हिस्पेनसुका एचएस ये तीनों यूज़ हो रहे हैं। एनीवे, तो 95 में जो इंजन हमारे पास आए उनमें जो हमने नेपियर और एबीबी का टर्बो यूज़ किए, जिनकी एफिशिएंसी 62% के आसपास थी, हमारी एसएफसी इंप्रूव करके 156 ग्राम पे आ गई, हमारे एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर का टेम्परेचर कंज्यूम हुआ और कम हो गया, दैट इज़ 580 डिग्री सेल्सियस, और इनका मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी था 2 से 3 साल। इसमें जो बेरिंग थी वो स्लाइडिंग फिट पे थी, और थ्रस्ट हमारा जो है कोल्ड साइड में दिया गया, एंड इधर से हमारी एयर आ रही है उस साइड। थ्रस्ट तो आप लोग को हम बता चुके हैं, थ्रस्ट मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा, फिर भी अब जब क्लास में आएंगे तभी बात करेंगे थ्रस्ट की, क्योंकि अगर एक बार नहीं समझ में आया तो फिर कभी भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। इसके बाद 2000 तक जो इंजन आए उसमें और मॉडिफिकेशन किया गया, और एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ट्विन डिस्चार्ज इंजन हम लेकर के आए। ट्विन डिस्चार्ज का मतलब कि हमारे टर्बो सुपरचार्जर से दोनों बैंक के लिए अलग अलग डिस्चार्ज चाहे एयर, ठीक है। और वो हमारा जो मॉडल था वो जी था, जी टर्बो था, जो कि बाद में सक्सेस नहीं हुआ, और आज की डेट में किसी भी इंजन में आपको लगा हुआ नहीं मिलेगा। ये पर्टिकुलर टाइमिंग के लिए आया था, इसको 2 से 3 साल तक ट्राइड किया गया, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी इंक्रीज थी, 64%, एसएफसी भी 154 थी, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर में बहुत अंतर पड़ गया था, दैट इज़ 500 डिग्री सेल्सियस, और इसके मेंटेनेंस फ्रिक्वेंसी थी 6 ईयर। लेकिन चूंकि ये ट्विन डिस्चार्ज पे था इसलिए इसमें फेलियर के चांसेस बहुत रहते थे, और फेलियर को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए इस टर्बो को बाद में हमारी सर्विस से हटाते चले गए हम लोग। इसमें भी बेयरिंग जो है स्लाइडिंग फिट पे होती, लेकिन जो इसमें थ्रस्ट होता है वो दोनों साइड दिया हुआ है, ठीक है। और सबसे बाद में जो इंजन जो आज तक अभी भी चल रहे हैं हमारे पास, वो न्यू जनरेशन टर्बो यूज़ कर रहे हैं, जो कि HS5800NGT, ये स्पेनोसुजा कंपनी है, ABB TPR 61, ये एयर कोल्ड लोगो एयर कोल्ड टर्बो है जो कि ABB कंपनी का है, और जी सिंगल डिस्चार्ज, ये आज की डेट में बहुत आयत में यूज़ हो रहे हैं, और आपको अब लोगों में लगे हुए मिलेंगे भी। इसकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है 70%, और इसमें जो SFC है वो 151 ग्राम पर BHP आवर है, जो कि इम्प्रूवड है। अभी तक इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। एग्जॉस्ट का टेम्परेचर यहाँ भी 500 डिग्री सेल्सियस मिल जाता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 साल है इसमें सुचा के लिए, और बकाया ABB और जी टर्बो के लिए 6 साल की है। यानी कि हम एक बार इंजन को अगर ओवरहाल करके टर्बो को एक बार ओवरहाल करके इंजन पे लगा देते हैं, और अगर वो उसके पैरामीटर मेंटेन रखते हैं सारे कुछ, कूलिंग सिस्टम है या जो भी लुब्रिकेशन सिस्टम है, तो हमें 4 साल और 6 साल तक उस टर्बो को बदलने की आवश्यकता नहीं है, वो सर्विस में चलता रहेगा। इसमें भी जो है बेरिंग है वो स्लाइडिंग फिट पे है, थ्रस्ट दोनों साइड है, केवल इसमें जो जी का इंजन है वो वाटर कूल्ड है, जबकि हमारा ABB और हिस्पेनसुजा का जो टर्बाइन है टर्बो सुपरचार्जर है वो हमारा जो है एयर कूल्ड है, ठीक है। जो जी सिंगल डिस्चार्ज के टर्बो सुपरचार्जर लगे हुए हैं वो वाटर कूल्ड है, और बकाया हमारा ABP और हिस्पेनसुजा HS ये दोनों टर्बो जो है एयर कूल्ड है, और ये उसी तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब एफिशिएंसी की बात कर लें,
हिस्पेना सुजा में टर्बोचार्जर की एफिशिएंसी 70% है, जबकि टर्बाइन की एफिशिएंसी 87% और कंप्रेसर की एफिशिएंसी 86% है। तो मेन नीचे ही देखना है आपको, तो टर्बाइन एफिशिएंसी पहले ही बता चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं। हिस्पेना सुजा में 70%, नैपियर और एबीबी में 62% और एल्को जो सबसे पुराना है, जो कन्वेंशनल टर्बो सुपरचार्जर है, उसमें 48-49% रहती है। ठीक है, हाइट और वेट की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपके लिए है। ये पर्टिकुलर टर्बो सुपरचार्जर हैं जिनकी अलग अलग आपको डिटेल्स दिए जा रहे हैं, ये आप देखिएगा। और कुछ ना समझ में आए तो फिर हमसे पूछेंगे। ये सबसे पहला है एल्को 720A जो कि कन्वेंशनल है, जो 90 तक रहा। फिर ये हाई एफिशिएंसी टर्बोचार्जर है, ये नैपियर का है, ऊपर जो लगा हुआ है एनी 295 और नीचे जो लगा हुआ है एबीबी वीटीसी 304, इससे आपको पहचानने में आसानी होगी। ठीक है ना, इसमें टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, सब्सी भी दी हुई है, एग्जास्ट गैस टेम्परेचर भी है, साथ ही साथ इनके साइलेंट फीचर और मेंटेनेंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो सब आपको डिटेल में यहाँ दी हुई है। ये ट्विन डिस्चार्ज है, तो आज की डेट में आपको अब देखने को नहीं मिलेगा, ये बीच में कुछ दिन लगाया गया और उसके बाद इसको हटा दिया गया। ठीक है, और ये न्यू जनरेशन के हैं, जो ऊपर नीले रंग कलर से दिख रहा है दैट इज हिस्पेना सुजा HS, और जो नीचे दिख रहा है BBTPR61, ये आपका ABB टर्बो सुपरचार्जर है। और ये दोनों जो है एयर कूल्ड हैं, इनमें पानी की सप्लाई नहीं दी जाती है, यू मस्ट नोट इट। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है। देखिए, जितने कम हम जो है कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे उतना ही फेलियर के चांसेस कम होंगे, ये पक्का है। और टर्बो सुपरचार्जर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सबसे ज़्यादा हीट जनरेट होती है, तो हमारा कूलिंग वाटर जो है सबसे ज़्यादा वेपराइज वहीं होता है, और सबसे ज़्यादा गैसकेट का डिस्टॉर्शन वहीं होने के चांस होते हैं, और सबसे ज़्यादा फेलियर भी वाटर लीकेज के वहीं मिलना शुरू करते हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, और इसीलिए इनको जो है 4 साल और 6 साल के फ्रीक्वेंसी पर रखा गया है। ठीक है, अब हमारे टर्बो सुपरचार्जर में जो मेन कंपोनेंट होते हैं, पहले ही बताया था, फिर एक बार बता देते हैं। पहला होता है गैस इनलेट केसिंग, जो कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड साइड से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें कि एग्जॉस्ट गैसेस आती हैं और इसमें सबसे ज़्यादा हीट यहीं इकट्ठा होती है। उसके बाद होती है टर्बाइन केसिंग, जिसमें एक फिक्स नोजल रिंग लगी होती है टर्बाइन डिस्क की, और एक जो है रोटर का टर्बाइन डिस्क वाला पार्ट भी उसी में लगा हुआ होता है। इसके बाद होती है इंटरमीडिएट केसिंग। इंटरमीडिएट केसिंग में अगर हमारा वाटर कूल्ड है तो वाटर कूलिंग के लिए कोल पैसेज बना होता है। इसी इंटरमीडिएट केसिंग में जो है लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए पाइप का भी प्रोविज़न होता है, और इसी इंटरमीडिएट केसिंग में हमारी दोनों तरफ ऑयल सील और बेयरिंग्स लगाई जाते हैं, इसके ऊपर की जो है रोटर मूव करता है। ठीक है, फिर आती है ब्लोवर हाउस असेंबली। जिस साइड हमारा इंपेलर लगा हुआ है उसको बोलते हैं ब्लोवर हाउस हाउसिंग असेंबली। ये क्या करता है, ये ब्लोवर को अपने पास रखता है। इसमें भी एक्चुअली दो पार्ट हो जाते हैं, एक पार्ट होता है इनलेट पार्ट, ब्लोअर इनलेट पार्ट, जो कि हमारा एयर मेजर साइक्लोनिक फिल्टर से जुड़ा हुआ होता है, और एक होता है ब्लोअर हाउसिंग, जिसके अंदर की इंपेलर मूव करता है। तो हमारी जो एयर एंटर करेगी वो ब्लोअर इनलेट से करेगी, एक्चुअली मानी एक्सली एक्सल जिस दिशा में है रोटर असेंबली की, उससे सेंटर पे, और डिस्चार्ज होगी रेडियली, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल ब्लोवर है। ठीक है, और प्रेशर बढ़ाने के लिए वेन डिफ्यूजर लगा हुआ है, जिससे कि हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। रोटर असेंबली में पहले बता चुके हैं कि इसमें एक शाफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और हमारे रोटर के ब्लेड्स हो जाएंगे, थ्रस्ट कॉलर हो जाएगा, इंपेलर होगा, इंड्यूसर होगा, ठीक है, नोज पीस होगा, लॉक नट होगा, ये इसके छोटे छोटे पार्ट हैं। तो जब आप पर्टिकुलरली एक बार शॉप पर चलेंगे तो आपको डिटेल्स में बताया जाएगा, यहाँ पे पिक्चर्स में बताना बहुत मुश्किल है,
एम्पेलर को इतना डिटेल में, बस इतना समझ लीजिए कि एक शाफ्ट के ऊपर एक तरफ एम्पेलर और एक तरफ आपका टर्बाइंडस, ये जोड़ करके जो असेंबली बनती है उसको हम रोटर असेंबली बोलते हैं, ठीक है। कूलिंग सिस्टम, अगर एयर कूल्ड है तो अपने आप कूल होगा, और अगर वाटर कूल्ड है तो उसमें इंटरमीडिएट केसिंग में हमारा कोर पैसेज है, जिसमें हम एक तरफ से पानी की सप्लाई देंगे और वो पानी गर्म होकर के रिटर्न पाइप से बाहर जाएगा। साथ ही साथ बीच में वो स्टीम एक्युमुलेटर में भी इकट्ठा होगा, जो हमारा वेपराइज वाटर हो जाएगा, वेपर कंडीशन में आ जाएगा, वो स्टीम एक्युमुलेटर के थ्रू वेंट पाइप से होता हुआ हमारे टैंक को चला जाएगा, ठीक है। लुब्रिकेशन सिस्टम में बताया गया है कि एक ब्रांच जो है हमारी जंक्शन बॉक्स से टर्बो सुपरचार्जर के फिल्टर के थ्रू टर्बो सुपरचार्जर में जुड़ी रहती है, ठीक है, और ये इसकी दोनों बेयरिंग को लुब्रिकेट करती है, और लुब्रिकेट करने के बाद रिटर्न पाइप के द्वारा, जो कि एक मोटा पाइप लगाया जाता है, लुब्रा सिस्टम में वापस चले जाती है, यानी सम को वापस चले जाती है। दोनों तरफ हमारी दोनों बेयरिंग के पास दोनों तरफ जो है हमारी ऑयल सील प्रोवाइड की गई है, जिससे कि ऑयल का लीकेज ना हो सके। जब ये ऑयल सील कट जाती है या लीक कर जाती है तो हमारे एग्जॉस्ट से तेल फेंकना या लूब ऑयल फेंकना शुरू हो जाता है, हमारा इंजन फील करना पड़ता है। एयर कुशनिंग, कुशन माने तो जानते हैं, कुशन माने क्या होता है, कुशन माने गद्दा, ठीक है ना, ठीक। एयर कुशनिंग का काम क्या है, एयर कुशनिंग थर्स्ट इंपैक्ट को मेंटेन करता है, ठीक है ना। तो जो हमारे मॉडिफाइड टर्बो हैं उसमें एयर कुशनिंग की जा रही है, ये हमारा क्या करता है, रोटर डिस्क और इंटरमीडिएट केसिंग के बीच में एयर को प्रोवाइड करा करके एयर कुशनिंग कराते हैं। और इसके फायदे क्या हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल के कांटेक्ट में हॉट गैसेस को ना आने देना, पहला, ठीक है। जो हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल हमारी बेयरिंग तक आ रहा है, थ्रस्ट कॉलर तक आ रहा है, वहाँ तक हॉट गैसेस रहती हैं, तो अगर हम यहाँ पे इस प्रेशराइज एयर को इंसर्ट करा दें तो वहाँ पे एक फिल्म बनी रहेगी और हॉट गैसेस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा और हमारी सील की लाइफ बढ़ जाएगी। दूसरा, सील की लाइफ बढ़ेगी तो हमारा लुब्रिकेशन ऑयल का लीकेज ऑयल सील से मिनिमाइज हो जाएगा या बंद हो जाएगा, इसको रोकेगा ये। और तीसरा और सबसे बड़ी चीज़, थ्रस्ट लोड को बैलेंस करता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि एक साथ बहुत सारी चीज़ें बताने से आप लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। आप लोग जो मैंने और नोटिस किया है, कुछ सवाल आप लोग देते हैं हमको, जो कि जिनके आंसर हमारे वीडियो में हैं, या तो मैं सोच रहा हूँ, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा जल्दी बोलता हूँ, या फिर आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हैं या उनको पकड़ नहीं पाते हैं। तो मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ कि आप ध्यान से सुने, एक बार सुने, दो बार सुने, फिर भी नहीं समझ में आता तो पूछे, पूछने के लिए तो मैं बैठा हूँ, मैं बताऊँगा ही। लेकिन जो चीज़ें नॉर्मली मैं बता रहा हूँ उनको अगर आप पूछते हैं तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। इट मीन्स कि आप शायद पूरा नहीं देख करके फौरी तौर पर एक बार देखा और जो आपके समझ में आया वो रखा और बकाया आपने क्वेश्चन रख दिए, तो ऐसा ना करें प्लीज़। और क्वेश्चन पूछे तो ग्रुप में पूछे तो अच्छा लगेगा, सबको ही बताया जाएगा, खैर पर्सनली पूछते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, ओके। सो थैंक यू एंड टेक केयर।